हेलो नमस्ते। और उत्तराखंड से कमाल का वीडियो आया इस वक्त, और उत्तराखंड से भी जो एकदम पूरा जो उसका जो एकदम इलाका है मुनस्यारी, वहां से एक लड़का है 16-17 साल का, और उसने क्या गजब गोल किया है। मतलब उस गोल को देखने के बाद उसको हर कोई उत्तराखंड का रोनाल्डो कह रहा है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि बहुत गरीब घर से वो लड़का है, और उसने जो गोल किया, पहले तो मैं वो आपको गोल दिखा देता हूँ कि क्या गजब गोल है। देखिए ये है वो गोल, और गोल देखिए, और आप भी वाह करेंगे इसको देख करके कि देखिए कॉर्नर किक है और ये सीधा गोल। गजब गजब। बनाया। दोबारा से देखिए शॉट को। गोल है यार, गोल है यार, गोल हो गया भाई। और सबसे तो ये जो कमाल का लड़का है ना, ये इस वक्त हमारे साथ में है, तो इनसे बात करते हैं। तो ये है हेमराज। तो हेमराज भाई क्या गजब गोल है भाई, कैसे किया ये? मैं तो ये मतलब फैन हो गया आपका ये देख करके। कैसे ये किया आपने ये करिश्मा? लोग आपको उत्तराखंड का रोनाल्डो कह रहे हैं इस गोल को देखने के बाद। ये किया तो किया कैसे, पहले ये बताइए। अनम्यूट जब कर भी रहा हूं मैं आप आपको। सर आप प्लीज दोबारा से बोलिएगा, मैं अनम्यूट। हाँ हाँ जब भी मैं प्रैक्टिस करता था तो मैं इस शॉट की बहुत प्रैक्टिस करता था सर, तो फिर अच्छा मैच में भी मार ही दिया मैंने यार, जब आप शॉट मार रहे हो ना, तो आपको पता था कि ये गोल सीधे गोल पोस्ट के अंदर चला जाएगा? सर। ये तो किस तरह से गेंद घूमी है, ये तो वास्तव में रोनाल्डो जैसा शॉट है। मतलब आपको लग रहा था कि गोल हो जाएगा इस पे? यस सर, मेरे को पता था क्योंकि कीपर आगे आ गया था और जो मेरे और प्लेयर थे वो थोड़ा पीछे थे, तो मैंने सोचा कि मैं कर मारूंगा और सीधे सेकंड बार पे जाएगी बॉल, तो फिर मैंने अरे कर वाह क्या मार दिया बात सर है। पीछे और जब आप सेकंड बार शॉट पे मार रहे जाएगी हैं, तो आपको इतना यकीन है, सब उन पे वो कह रहे हैं कि गोल तो गोल है ये। पीछे से लोग जो क्या आप शाउटिंग कर रहे हैं ना, तो उसमें कह रहे पहली गोल बार। गोल। यस सर, कमाल का जो शॉट वीडियो था ये। बनाने अच्छा वाले थे ये उन्होंने बताइए, पहली अच्छा गोल ये बोला। बताइए हेमराज, ये बताओ कि ये मैच आपकी टीम जीती या क्या हुआ? सर 9-0 से जीते हम, जिसमें मैंने ओ पांच गोल गजब। मारे थे। और आपने कितने गोल मारे इसमें? 5 गोल। वाह वाह यार वाह। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं हेमराज के बारे में आपको एक ब्रीफ में बता देता हूँ। हेमराज जो है उत्तराखंड की जो मुनस्यारी है जगह, टूरिस्ट एक स्पॉट है, एक हिल स्टेशन है, वहां से 22 किलोमीटर दूर एक गांव है, गांधीनगर। मैं सही हूँ हेमराज? बहुत दूरस्थ गांव है उत्तराखंड का, ठीक है ना? वहां के रहने वाले हैं सर हेमराज। रोड और भी हाँ जी, रोड भी नहीं है, है? नो सर, रोड भी रोड भी नहीं नहीं है। है ना, ग्राउंड है, वहां ग्राउंड वाह भी नहीं है भाई सर। वाह। तो यार मैं तो मैंने आपके बारे में सोशल मीडिया पे पढ़ा, उसमें ये भी मैंने पढ़ा कि आपके जो पिता हैं वो टेलरिंग का काम करते हैं, और है सर वो ना मुझे टेलिंग का काम करते यार, मतलब आप मतलब अभी शुरुआत है, लेकिन जिस तरह से आप मतलब आगे बढ़ रहे हैं, उससे मुझे लगता है कि आप अपने पूरे गांव का और उत्तराखंड का और अपने पिता का नाम रोशन करेंगे। मेरी शुभकामनाएं भी आपके साथ हैं। खैर ये तो बात की बात है, पहले मैं थोड़ा सा आपकी, यार देखो मुझे इस चीज में, अभी आपके भाई से बात हो रही थी मेरे हेमराज, और मैंने उनसे यस पूछा यार ये लड़का ना, मतलब हमारे, मैं भी उत्तराखंड से ही हूँ, हमारे यहाँ तो होते हैं सीढ़ीदार खेत, होते हैं कि नहीं होते? अब उन सीढ़ीदार खेतों में फुटबॉल, फुटबॉल हमारा यहाँ का राज्य का गेम है, लेकिन फुटबॉल की संभावनाएं, उस तरह के मैदान ढूंढना बड़ा मुश्किल होता है, तो ये कहाँ से शौक लगा आपको? सर मेरे को, मैं जब पहली बार मुंशियारी आया, मैं लगभग 11 साल की उम्र में पहली बार मुंशियारी आया, तो मैंने हाँ यहाँ बच्चों को खेलते हुए देखा, तो फिर जब मैं पहली पहली बार ही ग्राउंड गया था तो मेरे पे जूते वूते भी नहीं थे, तो मैं नंगे पैर खेलना स्टार्ट कर दिया। फिर अरे उसके वाह बाद में यहीं मैं एक मुंशियारी बॉयज नाम का वो है, क्लब टाइप का है, तो मैं उनसे जुड़ गया। फिर उन्होंने मेरे को फुटबॉल शूज वगैरह दिलाए, फिर मैंने खेलना स्टार्ट कर दिया। अच्छा, तो अच्छा वाह क्या गजब है हिमराज। मतलब आप कह रहे हैं कि मतलब अच्छा इस तरह से आपका फिर मतलब किस तरह से आगे मुझे ये भी पता चला कि जो देहरादून में महाराणा जो स्पोर्ट्स कॉलेज है, महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज, आप वहां पे आपका सिलेक्शन हुआ है ना, आप वहां पर सर कोचिंग दो ले रहे हो? साल जब मैं यहाँ थे सर, हाँ जी हाँ जी नेशनल खेल चुका 4 बार।
अच्छा 4 बार नेशनल खेल चुके हैं आप, वाह सर। क्या। अच्छा एज कितनी है आपकी? 15.5 साल 15.5 साल, 4 बार नेशनल साढ़े खेल चुके हो। आपका 10th अभी क्लियर किया आपने ना? हाँ 10th कर रहा सर। 10th क्लियर किया। और मुझे ये भी आपके, मैंने आपके कोच से भी बात की, वो कह रहे थे कि आप अपने स्पोर्ट्स कॉलेज में भी आप सेकंड रैंक आपका रहा वहां पर, जो भी आपका कंपटीशन चलता होगा। ऐसा नहीं, क्या बात है हिमराज। मैं एक चीज आप बताइए, मतलब इतना मतलब इतना इतना मतलब स्टेमिना वाला गेम है ये पूरा। पहाड़ के लड़कों में स्टेमिना तो होता है क्योंकि पहाड़ पहाड़ वाला जो एक वो आता है, लेकिन ये जो आपकी जैसे परिवार की जो स्थितियां होती हैं, कई बार क्या होता है ना कि हम लोग परिवार की स्थितियों से पीछे खींच देती है हमको, लेकिन ये आपके आपके पिता मतलब आपकी पारिवारिक स्थिति किस तरह की, अगर मैं वो करूं, मतलब बहुत ऐसा तो नहीं, मतलब आप जैसे आप बता रहे थे कि आपके जूते भी आपको लेने पड़े, तो आपको ये फोर्स कहाँ से आया ये कि एकदम फुटबॉल में ही आगे चलते जाना है और एकदम गजब? सर मेरे पापा का सपना था कि मैं इंटरनेशनल फुटबॉलर बनूं, पर हम पे इतने पैसे तो नहीं है कि मतलब आगे खेल पाए, और मतलब नहीं खेल तो पाएंगे। आपके पापा हैं वहां पर, अगर उनसे बातचीत हो जाए, अगर आसपास हो तो? सर पापा गांव में, वो 22 किलोमीटर दूर गांव में, पापा 22 किलोमीटर। ओ गांव में, आप इसी में मुंशियारी में है ना? सर मैं टूर्नामेंट खेलना आ रहा था। तो आपका कल भी मैच है? यस सर। बहुत शुभकामनाएं आपकी मैच के लिए। दूसरा एक चीज और है मेरा आपसे कि मतलब किस तरह की सुविधाएं आपको मिली वहां पर, कि किस तरह की जो आपको दिक्कत होती है अभी, जैसे आप क्रिकेट इसमें फुटबॉल में आप खेल रहे हो, क्रिकेट में तो फिर भी बहुत सारी सुविधाएं मिल जाती हैं लोगों को, लेकिन फुटबॉल मतलब उतना एक्सपोजर नहीं है, उतनी संभावनाएं मतलब उस तरह का वो नहीं है, अपने से ही खुद करना पड़ता है, तो किस तरह का आपको स्ट्रगल करना पड़ा? सर बहुत कभी कभी डाइट को लेकर सबसे ज्यादा वो होती है कि दिक्कत होती है, अगर जब घर आता हूँ मैं तो मतलब खाने को इतना वो नहीं होता कि डाइट में अच्छे से ध्यान दे पाऊँ मैं, से खाने के लिए कमी होता है, तो फिर हॉस्टल में तो ठीक ही होता है, जब कॉलेज जाता हूँ मैं फिर यहाँ इतना नहीं हो पाता, जब घर में आता हूँ तो खाने के लिए थोड़ा कमी रहता है, पैसे इतने है नहीं पापा पे कि रोज चिकन विकन खिलावा है, नहीं नहीं तो बस डाइट को थोड़ा कम जाता है घर आके। नहीं नहीं मैं उम्मीद करता हूँ हिमराज कि मतलब ये वीडियो जो हम ये कर रहे हैं इंटरव्यू, काफी लोगों तक जाएगा, और हो सकता है कि जो ऊपर सरकार है वो भी, मतलब जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं वो भी देखेंगे इसको, तो मतलब जो आपकी जो, क्योंकि हमारा फुटबॉल हमारा राज्य का गेम भी है और आप इतने अच्छे स्पोर्ट्स प्लेयर हैं, इतने शानदार आपका दिखे, तो जरूर वो इस चीज पे नोटिस करेंगे और वो सब चीजें आपकी मुश्किलें दूर होंगी, जिस तरह से आप आगे बढ़े हैं वो जरूर चीज होंगी। तो आपके परिवार के बारे में थोड़ा सा हिमराज मैं जानना चाहता हूँ कि पापा के बारे में आपने बताया कि वो टेलरिंग का काम करते हैं, और आपकी फैमिली में किस तरह से मतलब आपकी फैमिली का गुजारा चलता है, मतलब कौन है परिवार में, किस तरह से, क्योंकि क्योंकि एक स्पोर्ट्स में क्या होता है कि जो आपका जो ये है इस समय काफी आप स्ट्रगल कर रहे हैं, तो एक आपको एक पीछे से सपोर्ट चाहिए, तो वो किस तरह का परिवार मतलब किस तरह से चलता है घर, किस तरह से कौन कौन मतलब है? सर परिवार में मेरी 4 बहनें हैं और एक मैं भाई हूँ। अच्छा। तो उसके बाद परिवार तो ऐसे, पापा जब पापा कमाते जब तभी चल पाता है परिवार, ऐसे नहीं चल पाता इतना, कभी कभी इतना ही पैसे इतने होते कि सीमित होते, मतलब थोड़े बहुत कभी कभी कहीं देहरादून जाने के लिए पैसे नहीं होते मेरे पे हॉस्टल जाने के लिए, तो फिर उधार उधार करके मांगते पापा किसी से तब देते। तो ये आपने तो हिमराज बता रहे हैं कि देखिए कितना जुनून है इस 15.5 साल के लड़के में, कि वो बोल रहे हैं कि ऐसे नहीं होते हैं तो देहरादून जहाँ पे उनका स्पोर्ट्स कॉलेज है वहाँ भी जाते हैं, तो पता नहीं बड़ा दुखद है वैसे हम क्योंकि आप 4 बार आप नेशनल खेल चुके हैं ना हिमराज? यस सर।
आपने 4 बार नेशनल, इसके बावजूद मतलब एक इतने उभरते हुए खिलाड़ी की कोई ये आज बात कहनी पड़ रही है, बहुत दुख हो रहा है, लेकिन उम्मीद है कि जो ये वीडियो बहुत से लोगों तक पहुंचेगा और आपकी मदद के लिए हाथ आगे बढ़ेंगे और आप इसी पैशन के साथ में, क्योंकि हमारा जो उत्तराखंड है एक दौर में फुटबॉल का एक जबरदस्त, जिसे कहते हैं ना कि गढ़ हुआ करता था, और ऐसे जो आप जैसे जो जुनूनी लड़के हैं इसको वापस ले आएंगे, ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ। तो अपने कुछ इसके बारे में, अपने कुछ सपनों के बारे में जानना चाहता हूँ हिमराज, मतलब क्या सपना है आपका? सर मेरा सपना है कि मैं अच्छे लेवल पे खेलूं, इंटरनेशनल लेवल पे खेलूं, और मेरे पापा का भी सपना है कि मैं इंटरनेशनल पे खेलूं। अच्छा हिमराज, अच्छा दूसरी चीज ये भी है कि कौन से हैं जो बड़े प्लेयर्स जिनको आप अपना आदर्श मानते होंगे, आइकन मानते होंगे? सुनील छेत्री हो गए, और अच्छा क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लियोनेल मेसी, सर्जियो रेमोस और पोगबा, सर क्या बात है, जिन्हें आई रोनाल्डो के तो लोग आपको सोशल मीडिया पे अभी से रोनाल्डो आप मान रहे हैं लोग सब आपको, कि उस शॉट को देख करके, और आप इसी मेहनत से काम करते रहें और इसी से मतलब बहुत आगे जाएं, ये मतलब शुभकामनाएं हैं मेरी आपको, है ना, और बहुत अच्छे से आप वो करें, अपनी तैयारी करते रहें, क्योंकि थोड़ा मुश्किलें हैं इसमें, लेकिन चीजें आगे आएंगी आपकी। अच्छा, दूसरी चीज मैं एक चीज ये भी जानना चाह रहा था, मतलब चलते चलते आखिरी सवाल ये भी है मेरा आपसे हिमराज, कि जैसे यहाँ पर मतलब बहुत सीमित संसाधन है, तो कहीं आपको कोचिंग किस तरह से मिली यहाँ पर, किस तरह से आपको मतलब वो, क्योंकि एक कोच जो होता है वो बहुत, चलो आप महाराणा प्रताप वहाँ पर स्पोर्ट्स कॉलेज में है, लेकिन जो इससे पहले का जो आपका कोचिंग का था वो किस तरह से आगे बढ़े आप, मतलब कहाँ से आपको कोच वगैरह, या किस तरह से, या खुद से तैयारी की? सर, मैं पहले जब अपने गांव में था तो मैं खेतों में खेला करता था, तो सीढ़ी वाले अरे खेत होते तो वहां सीढ़ी खेला वाले करता था खेतों में ग्राउंड। फुटबॉल? हाँ सर, अकेले खेलता था मैं वहां ग्राउंड बना के, अरे फिर अरे वाह, क्रिकेट तो उसके मैंने बाद उन जब मैं लड़कों को खिलाड़ी खेलते हुए देखा है वहां पर, लेकिन फुटबॉल खेलना क्या गजब है यार, ये तो अच्छा, आया सर, वहां पे फुटबॉल, फुटबॉल खेलते थे तो फुटबॉल यस सर, तो वो मैं बॉल खरीद लिया था मैंने एक पैसे अच्छा इकट्ठे करके, तब मैंने उसके वहां ग्राउंड ग्राउंड बना दिया था, खुद बनाया था, और फिर वहां खेलना स्टार्ट कर दिया था मैंने घर में, गांव में। गांव में, क्या कमाल उसके बाद का फिर यार। मैं जब मुनस्यारी आया तो फिर यहाँ थोड़ी फैसिलिटी थोड़ी बहुत सही है, मतलब मेरे गांव से, तो फिर मैं यहाँ आके हाँ, मैंने मुंशियारी फुटबॉल में, शुरू मुंशियारी में एक वगैरह, बड़ा ग्राउंड है ना, जिसने इस किसका है वो, जोहार क्लब वालों जोहार का। क्लब का है, लेकिन गजब है यार। तो आप मतलब फुटबॉल खेलते थे खेतों में, तो डांट नहीं पड़ती थी? सर एक ऐसी खाली जमीन थी, तो वहाँ पहाड़ों वाला इलाका बिल्कुल ढलान था, तो मैं वहाँ खोद हाँ, खोद के बना था, छोटा सा जगह था, अकेले खेलता था अकेले, क्या मैं। यस सर, बात है यार, क्या बात है, कितनी इंस्पायरिंग जर्नी है आपकी, मतलब सही में ये वीडियो कई लोगों को प्रेरणा देगा कि, और अगर आप अच्छे कामयाब हो जाते हैं, और उम्मीद है कि मतलब आप बहुत बुलंदियों तक जाएंगे, बहुत से लोगों को प्रेरणा देगा ये, तो हिमराज है ना, जिस तरह से आपने ये शॉट में मारा है, देखिए क्या गजब है यार, मैं तो इसको दोबारा से देखना चाहता हूँ, और मैं बार बार देखा मैंने इसको, कई लोग इसको बार बार देख रहे हैं, तो हिमराज आप इसी तरह से खेलते रहें, इसी तरह से आपकी जो पैरों में, मतलब मैं सही बताऊं तो आप मतलब आपके पैरों को छूने का मन कर रहा है मेरा इस वक्त, मतलब इतना गजब आपने ये शॉट मारा है, और वाह कितना लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं, आप इसी 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 मतलब जो आपकी ताकत है, इसी एनर्जी से आप आगे बढ़ते रहें हिमराज, है ना, और एक इतनी आपने इतना स्ट्रगल किया है, इतना सब चीजें हैं, लेकिन आप इसी उससे आगे बढ़ते रहें, ये मेरी आपको शुभकामनाएं हैं, है ना, और बहुत अच्छा लगा, मैं बड़ी मुश्किल से मैंने आपका नंबर जुटाया, इस समय आप गांव में हैं और वहां से आप बात करने के लिए तैयार भी हुए, है ना, बहुत थैंक यू हिमराज, थैंक यू सर, और बहुत शुभकामनाएं आपको। हाँ यस सर, थैंक
ठीक है, मैं फिर जाते जाते आपका एक वीडियो और वही वीडियो दोबारा एक बार देख लेते हैं और फिर मिलते हैं, है ना। क्या कर दिया आवाज़ अच्छा मारे, तूने बनाया? हाँ।